एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ अमेज़न पोजीशन के बारे में। मैंने अपने चैनल में काफ़ी सारे पोजीशन के बारे में डिस्कस किया है, लाइक लोटस पोजीशन, टेबल ऑन टॉप, मिशनरी, वेरिएशंस ऑफ मिशनरी पोजीशन, इसके अलावा 69 कावगल पोजीशन, ऐसे बहुत से सेक्स पोजीशन हैं जो रेगुलर लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, इससे प्लेजर भी बहुत मिलता है। आज का जो सेक्स पोजीशन है ना, वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पुरुष जो है वो इसका पूरा मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि इस पोजीशन में परफॉर्मेंस जो है वो औरतों के दौरान होता है। और ऐसा नहीं है कि इस पे बहुत ही ज़्यादा यू नो मेहनत का काम है, औरतें थक जाएगी, ऐसा नहीं होता, बल्कि दोनों के लिए ना ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अमेज़न पोजीशन जो है ना वो दोनों के लिए ही काफ़ी मज़ेदार होता है जब आप इसको परफॉर्म करते हो। तो इसी के बारे में एलिब्रेटली आगे बात करने वाले हैं। वीडियो शॉर्ट होगी बट डेफिनेटली आपके लिए कुछ नया साबित होगी, तो वीडियो को अंत तक देखिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋतु, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि अमेज़न जो पोजीशन है उसका वो होता कैसा है। इस पोजीशन में मेल पार्टनर जो है वो बेड के ऊपर लेटा होता है, बिल्कुल आराम से लेटा होता है, और औरत जो है वो उसके ऊपर पोजीशन लेती है, यानी कि औरत उसके ऊपर चढ़ती है। काउगल पोजीशन, रिवर्स काउगल पोजीशन, ऐसा कुछ नहीं है, बताते हैं आगे, ध्यान रखिए। आपने वो पोजीशन देखी है ना मिशनरी वाली, जहाँ पे औरत अपने दोनों पैरों को उठा लेती है वी शेप में, हाँ, फोल्ड करके उनके जो नीस होते हैं वो औरतों के चेस्ट के पास आ जाती है, और उस दौरान मर्द जो है वो पेनिट्रेट करता है। ये मिशनरी पोजीशन का एक ऐसा वेरिएशन है जहाँ पे फीमेल पार्टनर सबसे ज़्यादा मिशनरी पोजीशन में प्लेजर को हासिल करती है। ये पोजीशन ठीक उसका ही रिवर्स है, उसका ही बिल्कुल उल्टा है, जहाँ पे मेल पार्टनर लेटा हुआ होता है, फीमेल पार्टनर उसके ऊपर चढ़ी हुई होती है, मेल पार्टनर अपने दोनों लेग्स को ठीक वैसे ही ऐसे ले डाउन पोजीशन में बाहर की तरफ रखता है, और मेल पार्टनर का जो प्राइवेट पार्ट है, जो पिनिस है, वो एक्सपोज होता है बाहर की तरफ, और वो पेनिट्रेशन के लिए ही एक्सपोज होता है। बट हियर द ट्विस्ट इज, पेनिट्रेशन मेल पार्टनर नहीं करता बल्कि फीमेल पार्टनर करती है। मैन डोंट पेनिट्रेट हिमसेल्फ, रादर द फीमेल पार्टनर कम ओवर हिम एंड पेनिट्रेट अकॉर्डिंगली हिज कंफर्ट। अमेज़न पोजीशन भी एक मिशनरी पोजीशन का ही वेरिएशन है, जहाँ पे फीमेल पार्टनर के केस में इसको वी शेप पोजीशन कहा जाता है, और मेल पार्टनर केस में इसको अमेज़न पोजीशन कहा जाता है, जहाँ पे ठीक मेल पार्टनर वैसे ही लेटा होता है जैसे फीमेल पार्टनर वी शेप पोजीशन में लेटी हुई है, उनके लेग्स बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं, उनका जो पेनिस है वो सामने की तरफ एक्सपोज होता है, फीमेल पार्टनर उनके ऊपर चढ़ती है, उनके दोनों लेग्स को पकड़ के चढ़ती है, और वो पेनिट्रेट करती है अपने अकॉर्डिंगली। ये जो पोजीशन है ना वो बहुत सारे फीमेल पार्टनर आजमाते हैं, जो बोल्ड होती है, कॉन्फिडेंट होती है, जो सेक्स को जॉयफुल बनाना चाहती है, और हाँ, हर ऑल्टरनेटिव डेज पे ये फीमेल पार्टनर के लिए भी काफ़ी मज़ेदार साबित होता है, क्योंकि इस पोजीशन को परफॉर्म करते हुए मेल पार्टनर को बीच में थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, स्टेमिना रिगेन करने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाता है, एंड लास्ट में जब स्ट्रोकिंग टाइम आता है तो मेल पार्टनर बढ़िया परफॉर्म कर पाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मुसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मुसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और फीमेल पार्टनर जब पेनिट्रेट करती है तो उनका स्टिमुलेशन भी बढ़िया मिलता है, और सबसे बड़ी बात कि मेल पार्टनर भी इक्वली स्टिमुलेशन को अचीव करते हैं, और पुरुष भी जो है ना उनको भी फोरप्ले से बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इस दौरान मेन का, पुरुषों का जो चेस्ट होता है वो एक्सपोज होता है, फीमेल पार्टनर उसके साथ भी काफी अच्छी तरीके से खेल पाती है, मेल पार्टनर के निप्पल्स भी इक्वली सेंसिटिव होते हैं, तो उसका इस्तेमाल भी फीमेल पार्टनर बढ़िया कर पाते हैं। इवन ये काफी शॉकिंग बात है कि काफी सारे फीमेल ये जानते ही नहीं कि मेल पार्टनर का जो निप्पल है वो भी इक्वली सेंसिटिव होता है, तो 10% फीमेल ही आई बिलीव के मर्दों के निप्पल का इस्तेमाल करते हैं।
बट 90% नहीं करते। तो जो फीमेल जानते हैं वो इस पोजीशन में इसको एलिब्रेटली काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि फीमेल पार्टनर इस पोजीशन में परफॉर्म बहुत स्लोली करता है, क्योंकि इससे क्लिट बहुत बढ़िया तरीके से स्टिमुलेट होता है। स्लो डाउन पोजीशन में क्या होता है, मेल पार्टनर का टाइमिंग भी बढ़ जाता है, फीमेल पार्टनर का क्लिट भी धीरे 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 अच्छी तरीके से स्टिमुलेट हो पाता है, और फाइनल स्ट्रोकिंग के टाइम पे दोनों ही इक्वल टाइम पे ही डिस्चार्ज करते हैं और सेटिस्फैक्शन को अचीव करते हैं। और ये जो पोजीशन है ना, वो काउगल और रिवर्स काउगल पोजीशन से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है फीमेल के लिए परफॉर्म करना, क्योंकि काउगल पोजीशन में फीमेल अपने आपको प्रॉपर हैंग ऑन करते हैं, अपने आप को प्रॉपर अपने वेट को लिफ्ट करना होता है, जहाँ पे उनको इस पोजीशन में ऐसा नहीं करना पड़ता। वो अपने घुटने के ऊपर बैठ के भी इस पोजीशन को ट्राई कर सकते हैं। बट डेफिनेटली लेजी फीमेल्स इस पोजीशन को कभी ट्राई करना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उनको वैसे भी किसी भी पोजीशन को ट्राई करना अच्छा नहीं लगता। वो बस यही चाहते हैं कि सिर्फ मर्द ही परफॉर्म करे। भाई, अपने मर्द को भी कभी कभार छुट्टी देना चाहिए। तो ऐसे थोड़े थोड़े पोजीशन को ट्राई कर लो, उनको भी कभी कभार थोड़ी छुट्टी दिया करो, ताकि उनका परफॉर्मेंस डे बाय डे खराब ना हो बल्कि अच्छा ही होता रहे, इम्प्रूव होता रहे। तो आई बिलीव कि अमेजॉन पोजीशन के बारे में जानने के बाद अगर आप भी अपने बेडरूम लाइफ में स्पाइस अप ऐड करना चाहते हो, तो इस पोजीशन को आज ही ट्राई कर सकते हो। अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहते हो, रोजाना मेरे चैनल पर ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर, और हाँ, मुझे किसी भी टॉपिक के बारे में अगर मुझसे वीडियो चाहिए हो तो मेल भी कर सकते हो। थैंक यू, बाय।